इसलिए मैं यहाँ थी। एक शांति मिलती है सुबह सुबह तुम्हें, सुकून, वो यहाँ मिलता है। हाय गाइस, दिस इज स्वाति खत्री, वेलकम टू स्वाति खत्री ब्लॉग। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और अभी बजे सुबह के 6 और मैं आ चुकी हूँ वॉक पे, तो करीब 1 घंटा पर वॉक करेंगे अब। सुबह सुबह ये ठंडी हवा और ये चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, ये मेन चीज़ होती है सुबह की। और एक अच्छी सी वॉक पर तुम निकले हो, यहाँ पर तुम आराम से चल रहे हो मज़े में, बेस्ट पार्ट होल डे, जो कि तुम्हारा दिन सबसे अच्छा बनाता है। तुम लोग सोच रहे हो कि रोज इतनी इतनी हरियाली वाली जगह पर जाती कैसे? ये जगह भी मेरे घर के बहुत पास है, करीब करीब मतलब तुम मान लो कि 1-1.5 किलोमीटर। आ जाती हूँ मैं मेनली यहीं पे आती हूँ पीरियड्स में वॉक के लिए, बहुत अच्छा लगता है यार इधर। और मैं कभी कभार ऐसे भी आ जाती हूँ इधर वॉक के लिए, बहुत अच्छा लगता है इधर मुझे, क्योंकि यार इधर की ये ग्रीनरी और इतनी कोई भीड़ भी नहीं होती इधर, तो आई एंजॉय हेयर वेरी मच, इसलिए मैं यहाँ आती हूँ। एक शांति मिलती है सुबह सुबह तुम्हें, सुकून, वो यहाँ मिलता है। यार तुम्हें पता है इधर मोर भी है, इधर आवाज तो आ रही है लेकिन यार मेरे को दिख नहीं रहा, दिखेगा ना तो जरूर तुमको बताऊंगी। अब हम दोनों बैठ गए हैं, हमने करीब 4 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है अभी तक में, और अभी करीब बजे हैं 7:15, तो अब निकल जाएंगे यहाँ से अब 5-10 मिनट में, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे घर पे जाके। मैं सुबह वॉक से करीब है ना 7:30 बजे घर पे आ गई थी, उसके बाद मैंने काम करा, मतलब वो नॉर्मल काम, उसके बाद मैं वीडियोस वगैरह एडिट करी, उसके बाद में यार अब 12 बजे अब मैं खाना खाऊंगी। और आज ना यार खाने में बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं, मैंने थोड़ा मेरी डाइट में हेरा फेरी करी है, वो मैं तुम्हें बताती हूँ अभी। तो यार आज ना मम्मी ने ना इडली बनाई थी, तो मैंने ले ली है ये इडली, ठीक है ना, ये बिना नमक की मैंने अलग से बनवा ली थी मेरे लिए। और ये खीरा, मैं इतने दिनों से है ना सैलड ले नहीं रही थी मेरी डाइट में, अब मैं आज से सैलड भी शुरू कर दूंगी। और ये नारियल की चटनी है, ये नारियल की चटनी है ना पर्टिकुलरली ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये रिच इन प्रोटीन है, मैंने इसमें भुने हुए चने डाले हैं। उसके बाद में ये दही है, ठीक है। और कल से है ना और भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं ना प्रोटीन रिच डाइट, बिकॉज यार 30 डेज़ का चैलेंज है ना, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब जैसे कैल्शियम की, प्रोटीन की, किसी भी चीज़ की, ठीक है। अगर मैं एक टाइम भी खा रही हूँ ना, तो वो एक टाइम का खाना भी ना बैलेंस डाइट में आना चाहिए, उसके बाद में रात को दूध पी लेंगे तो मतलब अपनी डाइट बैलेंस हो जाएगी उससे। चलो फिर ठीक है, मैं अब खाना खाती हूँ और फिर तुमसे मिलती हूँ। शाम को खाना खाया, उसके बाद में यार थोड़ा बहुत काम था वो करा, उसके बाद में हम लोग वॉक पे गए थे करीब 6 बजे, उसके बाद में 7 बजे आई, 7 बजे आके मैंने करीब 7:45 पर दूध पिया था। उसके बाद में यार अभी बस अब रात के 10 बजे हैं और अब मैं सो रही हूँ,
आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और यार जब भी तुम पीरियड्स पे अपना ध्यान रखा करो, पहले ही बता रही हूँ, अब जैसे मैं अब वापस मेरा एक्सरसाइज का रूटीन शुरू करूँगी ना कल से, तो एब्स का जो वर्कआउट है ना यार, वो तो कोशिश करो 6 दिन निकलने दो तुम, क्योंकि जब तक तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है ना तब तक एब्स का वर्कआउट मत लगाओ, बाकी भले ही तुम कुछ भी लगाओ, धीरे धीरे करके स्टार्ट करो, अपनी बॉडी को रिकवर होने का टाइम देना, ठीक है। तो फिर ठीक है, होप कि तुम लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, फिर ठीक है, मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और हाँ यार, कमेंट कर दिया करो, कुछ भी कमी लगे ना तुम्हें वो भी कमेंट कर दिया करो, कुछ अच्छा ही लगे वो भी कमेंट करो, लेकिन कमेंट जरूर करा करो यार, मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता है तुम्हारे कमेंट से, ठीक है। उसके बाद में ठीक है, फिर कल वेट लॉस जर्नी का day 7 है, और यार कल वेट अपडेट वगैरह सब कुछ अपने कल के ब्लॉग में देखेंगे। चलो फिर बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।